लखनऊ यूनिवर्सिटी से टीचर्स की नई भर्ती का विज्ञापन जारी हो चुका है। जो भी अभ्यर्थी इसमें इंटरेस्टेड हैं आवेदन करने के लिए, इस वीडियो में आपको कंप्लीट डिटेल्स यहाँ पर मैं आपको दे रहा हूँ, तो इस वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, हम लोग ऑफिशियल वेबसाइट पर हैं। यहाँ पर लखनऊ यूनिवर्सिटी के इसे होम पेज पर जाएंगे तो यहाँ पर आपको लिंक मिल जाए करियर का। यहाँ पर करियर से जा करके इस नोटिफिकेशन को आप लोग डाउनलोड कर पाएंगे। आवेदन कैसे करेंगे इस वीडियो में आपको बताऊँगा। सबसे पहले आप लोग नोटिफिकेशन देख सकते हैं जो कि 5 सितंबर 2023 को जारी किया गया है। अब यहाँ पर इस विज्ञापन में क्या चीज़ें दी गई हैं वो सारी चीज़ें इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको क्लियर करने वाला हूँ। यहाँ पर देखिए बताया गया कि विश्वविद्यालय के विभिन्न विभागों में आचार्य, सहायाचार्य और सहायक आचार्य नियमित के पदों पर नियुक्ति चयन हेतु भारतीय नागरिकों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। विस्तृत विज्ञापन लखनऊ यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट में करियर्स मेनू पर उपलब्ध रहेंगे। ऑनलाइन आवेदन पत्र की अंतिम तिथि जो है 30 सितंबर 2023 है। और साथ ही साथ बताया गया कि पूर्व में निर्गत विज्ञापन जो कि 8 सितंबर 2021, इसके बाद 18 जुलाई 2022, 9 नवंबर 2022, 9 नवंबर 2022 के क्रम में जिन अभ्यर्थियों ने फॉर्म भरा था उनकी चयन प्रक्रिया अभी संपन्न नहीं हो पाई है, तो उनको दोबारा से आवेदन करने की ज़रूरत नहीं है। फ्रेश अभ्यर्थी यहां पर फॉर्म भरेंगे। हालांकि बताया गया कि अगर फॉर्म में कोई त्रुटि है तो आप उसको संशोधन कर सकते हैं। तो यहां पर पहले इंग्लिश हिंदी में है, फिर यहाँ पर इंग्लिश में वही भी बातें हैं। नोटिफिकेशन इसके नीचे जस्ट स्टार्ट होता है यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए, 30 सितंबर 2023 तक आप फॉर्म भर सकते हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर पदों पर यहाँ पर भर्तियाँ हो रही हैं। अब यहाँ पर हम पदों को देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए पदों के बारे में बताया गया। सबसे पहले यहाँ पर जानकारी दी गई असिस्टेंट प्रोफेसर के बारे में। तो असिस्टेंट प्रोफेसर के अलग अलग पद यहाँ पर हैं, जैसे कि सौंदर्य शास्त्र एवं शैव दर्शन, ये विभाग का नाम है, यहाँ पर वैकेंसी दे सकते हैं OBC की एक है। इसके बाद सौंदर्य शास्त्र और दर्शन में यहाँ पर भी वैकेंसी है, इसमें देखिए SC की एक है। अंग्रेजी तथा आधुनिक यूरोपीय भाषाएं, इसमें देखिए 3 वैकेंसी है UR की। तो इस तरीके से यहाँ पर नोटिफिकेशन में जाएंगे तो काफ़ी सारे पद हैं लगभग। इसके बाद यहाँ पर जो असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी जो है टोटल 64 वैकेंसी है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर एसोसिएट प्रोफेसर की वैकेंसी आती है, इसमें भी अलग अलग डिपार्टमेंट वाइज यहाँ पर जानकारी दी गई है और एसोसिएट प्रोफेसर की कुल वैकेंसी है 51। इसके बाद नीचे जाएंगे तो यहाँ पर आपको मिलेंगे प्रोफेसर के पद और यहाँ पर आपको कुल वैकेंसी मिलेगी 30, ठीक है। तो करीब 145 पदों पर ये विज्ञापन जारी किया गया लखनऊ यूनिवर्सिटी से। और इसमें बताया गया है कि ये जो पोजीशंस है टेम्परेरी है, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट के अप्रूवल से ये कंटिन्यू रह सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए पे मैट्रिक्स क्या रहेगा। तो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए पे मैट्रिक्स लेवल 10 के अकॉर्डिंग 57,700 रुपये बेसिक पे स्टार्टिंग होगी। एसोसिएट प्रोफेसर के लेवल 13 के अनुसार 1,31,400 से स्टार्टिंग होगी और प्रोफेसर के लिए लेवल 14 1,44,200 से आपका एंट्री पे रहेगा। फीस की बात कर लेते तो जो अभ्यर्थी यहाँ पर आवेदन करना चाहेंगे उनको जो है 1,500 रुपये का शुल्क देना होगा अनरिजर्व कैटेगरी के छात्रों को, OBC छात्रों को और EWS छात्रों को, और बाकी जो SC ST कैंडिडेट है उनके लिए 1,200 रुपये का शुल्क निर्धारित किया गया है, ठीक है। अब सिलेक्शन कैसे होगा, तो इसमें बताया गया जो सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा वो माननीय जो चांसलर हैं उनके 2 जुलाई 2021 और 3 सितंबर 2021 द्वारा जो आदेश जारी किए गए उसी के क्रम में यहाँ पर सिलेक्शन होगा। इसके बाद बताया गया कि कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू SC ST OBC EWS कैटेगरी को जो रिलेवेंट सर्टिफिकेट हैं वो सबमिट करने होंगे और भी डॉक्यूमेंट्स जो हैं वहाँ पर सबमिट करने होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर और भी काफ़ी सारे इंस्ट्रक्शन दिए गए, इनको आप लोग पढ़ लीजिएगा क्योंकि काफ़ी सारे इंस्ट्रक्शन हैं यहाँ पर। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर आखिर आवेदन कैसे करना है और इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और एज लिमिट के बारे में यहाँ पर देखिए बताया गया है
इस नोटिफिकेशन में सारी चीज़ें दी नहीं गई, लेकिन ये बताया गया है कि जो UGC के नाम से हैं उसके अनुसार ही यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहने वाला है। देखो यहाँ से देखो अगर आप, तो मिनिमम एलिजिबिलिटी सेल बी एज पर UGC रेगुलेशन 2018 एज एडॉप्टेड बाई UP गवर्नमेंट वाइड, ये नोटिफिकेशन नंबर दिए गए उसके अनुसार ही आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और एज लिमिट काउंट होगा। अगर बात कर लेते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में, तो सबसे पहले तो PG होना चाहिए आपका, PG के बाद आपके पास नेट होना चाहिए। जो अभ्यर्थी नेट क्वालिफाई है वही अभ्यर्थी फॉर्म भर सकते हैं, स्लेट या सेट वाले भी फॉर्म भर सकते हैं, या फिर आपने PhD किया हुआ है तब भी फॉर्म भर सकते हैं। बाकी जो एसोसिएट प्रोफेसर हैं और प्रोफेसर हैं उनके सारी चीज़ें आपके जो है UGC के नाम से अकॉर्डिंग ही रहेंगी। अब बात करते हैं कैसे आवेदन कर पाएंगे इसके लिए, तो लखनऊ विश्वविद्यालय के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है, यहाँ पर करियर सेक्शन में जाना है, और यहाँ पर आपको पहले सेक्शन में जाएंगे तो यहाँ पर नोटिफिकेशन मिल जाएगा और रिक्रूटमेंट पोर्टल यहाँ पर दिया गया, तो यहाँ से जा करके आप लोग इसमें फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करेंगे वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो में इतना